नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले से है, जहां रीवा में अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन चोरी, लूट, हत्या की घटनाएं घटित होती हैं। हद तो यह है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस राजनैतिक दबाव में आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती, जिसके चलते हत्या जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। ताजा मामला सिमरिया का है, जहां अजय केवट नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि राजनैतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। आक्रोशित परिजन पूरी रात शव सिमरिया सतना तिराहे पर रखकर चक्का जाम किया और नामजद एफआईआर के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि 5 बार पुलिस अधीक्षक से लेकर स्थानीय पुलिस तक शिकायत की, आरोपियों ने धमकी दिया था, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। वहीं घटना की जानकारी के बाद सिमरिया विधायक अभय मिश्रा मौके पर पहुंचे हैं और प्रशासन से कड़ी कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध, नशाखोरी की रोक की मांग की है। आपको बता दें कि आक्रोशित कांग्रेसियों और व्यापारियों ने सिमरिया बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते सिमरिया बंद किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधियों को पुलिस कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है, क्योंकि अगर पहले इन पर कार्यवाही हो गई होती तो शायद आज हत्या जैसी वारदात नहीं होती। आइए आपको दिखाते हैं सिमरिया बंद और मौके पर पहुंचे सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पूरी घटना को लेकर क्या कहा है। ज्योति के बार बताइए क्या घटना घटी, कौन मारा, कैसे मारा? हनुमान ने मारा। वो क्या कहते हैं, ये आए एक वहाँ से पानी पी के, हम पानी दिए हैं तो पानी पिए हैं,
अब पानी पीने के बाद इधर ही तरफ चले आए और पीछे से वो दो पहिया में आया है हनुमान। कौन है हनुमान? ठाकुर है बरगाही। क्यों मारा? कोई विवाद था पुराना? हमारा कुछ नहीं था ना, उनके साथ कुछ था। वो क्या कहते हैं, बड़ी मौसी के साथ था, तो मौसी को 5-6 बार रिपोर्ट लिखा है, तो यही दौड़ भाग करते थे, तो इन्हीं को मारे। मौसी का क्या विवाद था? मौसी का कुछ विवाद नहीं था, घर के उसमें लगता विवाद था, तो उसी के पीछे मारे हो रहे। पहले भी धमकी दिए थे? नहीं, तो कहे किसी का? घर में घुसे थे तो घर में मार चाकू मारने को दौड़े थे चाचा ससुर को मेरे। पुलिस से शिकायत की थी पहले? हाँ, 5-5 बार रिपोर्ट लिखा है, रीवा तक में रिपोर्ट गई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई अभी भी। अभी क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? हमारे बच्चे को कौन पालेगा? जैसे हमारे साथ हुआ ऐसे उसी के साथ हो। क्या लगता है, पुलिस अगर कार्यवाही करती, पहले मामला दर्ज करती, तो आपके पति की जान बच जाती? हाँ, जान बच जाती। क्यों बचा रही थी? कोई राजनीतिक तो पहुंच नहीं था, उसकी सपोर्ट वपोर्ट तो नहीं था, कार्यवाही नहीं हो रही थी? अब ये नहीं मालूम उनको। कितने समय घटना है, ये क्या हुआ? ये हुए 3:30। कितने लोग के मारने में? हम घर में थे। क्या कुछ जानकारी मिली आपको? हमको अभी जानकारी नहीं मिली। चाकू मारे? चाकू मारे हैं। कौन बताया कि अब इस तरह घटना हुई, आपको कैसे जानकारी मिली घर में? हमको ये नहीं मालूम कि इस तरह घटना हुई, ये मालूम था कि क्या कहते हैं उनको मारे हैं, तो हम तो जैसे ही मारे होंगे उनको कौन मालूम कि जान से मारे। पुलिस को जब रिपोर्ट डाले तो बोले के हाँ कार्रवाई होगी रीवा से, गए तो रीवा की रिपोर्ट आई तो यही दाब दिए, फिर घर आए जब छोटे देवर का हमारे मारे थी, एक राड मारे, एक राड यहाँ पे मारे थी जाघ में, वो उसको मार नहीं पाए, तो फिर वो रिपोर्ट डाला, तो उसको बोले के जब तक तुम्हारे घर में मर्डर नहीं होगा जब तक रिपोर्ट कार्रवाई नहीं होगी, पुलिस वाले यह बोले है। कौन बोला था? थाना प्रभारी बोलते थे? ए पुलिस वाले का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन चेहरा से हम पहचानते हैं, रिपोर्ट पूरी वही पास है उन्हें के पास। जो मारा है, हाँ। मारा है तो किसी नेता के साथ होता रहता है क्या? नेता के साथ नहीं, उनका चाचा भी है नेता है, तो इसीलिए वो ज्यादा उतरा रहे हैं, जितने हैं तो पूरे खानदान पूरा उतरा रहा था कि मडल होगा। कौन है वो, कौन है नेता जिसके साथ रहते थे? फोन लगा लगा के पहले ही मना कर देते रिपोर्ट न लिखी जाए। अब हम जानते हैं कि जैसे मर्डर हुई है ऐसे मौत हो, नहीं तो फांसी सामने हो। कब तक ऐसी बैठी? जब तक मांग, जब तक मांग नहीं होगी यही लाश नहीं जाएगी यहाँ से। कब से आप लोग बैठे हैं यहाँ? यहाँ पे बैठे हैं हम 3:30 बजे से। क्या मांग है? कोई अधिकारी आए, कोई नेता आए? अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। कोई अधिकारी 3 बजे से कोई नहीं आया, हॉस्पिटल में थे तो कहे कि रिपोर्ट लिखाओ पहले, बस यही बोल रहे थे सब लोग। ये नहीं जानते कि गरीब है तो क्या कर ले, पूरी परिवार को धमकी भी दिया था कि पूरी परिवार को खत्म कर देगी हम। क्या जानकारी मिली, कितने लोगों ने चाकू मारा है, कैसे ये? अब यहाँ हम बात लिखे थे खेत में थे, तो हम लोग का मालूम के कितने लोग है कितने लोग नहीं, लेकिन रहते थे 5-6-7 आदमी, लेकिन वही गवाही देगा जो मारा है कि तो कौन साथ हमें है। इसका नाम ले रहे हैं आप? हनुमान बरगाही। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।